आज दोस्तों आपको देते हैं सरप्राइज़, माशाल्लाह, मतलब जिसका बेचैनी से इंतज़ार था। अभी इधर अंधेरा दोस्तों, इनका शौक जो है ना वो ठीक से नहीं होगा। ये देखें जी हमारा आज का सरप्राइज, देखें कैसे एक्टिव है। इस वाले का कलर देखें दोस्तों, दिन टाइम ये पकड़ा, इस साइड पे कर देते हैं, गिराएगा नहीं। फिर एक छोटी सी बैड न्यूज़ है हमारे वर्कर के बारे में, पकड़ पकड़ के ना इनके पास छोड़ते हैं। तेतर भी आज लेके आए, वो जो बेल है वो उधर बैठी, उसका टाइम हो चुका है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो दोस्तों अभी अभी डेरे पे पहुँचे हैं, अभी अभी मैंने बेला को रोटी डाली है, इनको भी और बाकी ये सब डॉग को, क्योंकि इन्होंने मतलब हम जब भी आते हैं गाड़ी के लिए, गाड़ी का ये वेट कर रही होती है इस टाइम के कब आएँगे और कब हमें रोटी मिलेगी। वैसे हम अपने तौर पर डालते हैं, टोली वगैरह सब जो हैं इधर वो इनको सुबह शाम डालते हैं, लेकिन हम अपने दिल की तसल्ली के लिए इनके लिए लाजमी लेके आते हैं। तो माशाल्लाह इसका खाना चेक करें, इसके ये ऊपर क्या निशान आए हुए हैं, सूजी का कुछ लगा हुआ है। खैर बाकी कल दोस्तों आपको मैंने जो है वो मस्ताना घोड़ा और सुहाना और दूसरा जो न्यू घोड़ा था उसका शौक करवाया। कल हम कुदरती उधर गए, हमारा चक्कर लग गया, हमारी उधर रोज़े की इफ्तारी थी, तो इसलिए अभी वापस डेरे पर पहुँचे तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। आप दोस्तों के लिए आज ऐसा सरप्राइज़ है जिसका वेट आप और मैं आज से 4 महीने पहले का कर रहे हैं, तो आज आपको वो सरप्राइज़ भी दिखाते हैं। बाकी माशाल्लाह ज़बरदस्त मौला उस्ताद भी आज हमारे साथ आए हुए हैं। देखें दोस्तों घोड़ों को चेक मैक कर रहे हैं उस्ताद जी, घोड़े किमें खड़े, बस ठीक खड़े, ऐडा मतलब बेरुखा जो रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा किमें करते हैं, थोड़ा दसो। नहीं चंगे शाह बशा चमक दमक जी ये वो च नहीं है, नहीं है ना। हां रिप्लाई दे हो ना, साथ कह रहे हैं कि घोड़े एक्टिव नहीं है, थोड़े सुस्त हैं, ढीले हैं। इसकी वजह ये है कि दोस्तों इनकी ट्रेनिंग वगैरह तो हो नहीं रही है, इस वजह से इन्होंने ऐसे ही खड़े होना है, बाकी कोई मसला नहीं है। अभी से रोज़ रमज़ान शरीफ है तो थोड़े दिनों तक ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, बाकी कोई मसला नहीं। फिलहाल ये गुस्से में है और चारा वगैरह इंजॉय कर रहे हैं, अभी इसने गुस्सा कर रहे हैं, उस्ताद को देख के देखें कैसे एक्टिव हो गए। बाकी साजन घोड़ा दोस्तों उधर है, फिलहाल उस्ताद साहब उनको चेक कर रहे हैं। फ्रेश चारा तितर भी आज लेके आए, क्योंकि ये वाला जदीद डोली के पास तितर जो ये हम ले गए थे घर। बाकी मुर्गियाँ सारा जानवर ज़बरदस्त हैं, और अब आपको सरप्राइज़ देते हैं, पहले आप गेस कर लें। आज दोस्तों आपको देते हैं सरप्राइज़, माशाल्लाह, मतलब जिसका बेचैनी से इंतज़ार था, और वो है ये, समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको आहिस्ता से दिखाता हूँ। रैबिट से निकाल लिए बच्चे, माशाल्लाह चेक करें, इतने ज़्यादा बच्चे हैं दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। मतलब जब मैं इधर आता हूँ अंदर देखता हूँ सब अंदर घुस जाते थे, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था। आज ये कुदरती हम अभी भी पहुँचे हैं, डोली उतारा है कि ये सारे बाहर निकले हुए, मैं देख के हैरान हो रहा हूँ माशाल्लाह से, और हैं भी बड़े क्यूट दोस्तों। वो देखें अभी से अंदर जाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ये देखें जी हमारा आज का सरप्राइज़, माशाल्लाह से कितने हैं भला, 1, 2, 3, 4, 5 हैं फिलहाल। छठा किधर गया, दो दोस्तों वो आ गए हैं, माशाल्लाह से हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ दोस्तों। ये मुझे देख के फिलहाल मैं इनको पकड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन हाथ नहीं आया और सारे देख डर के ना अंदर जा रहे हैं, वैसे ट्राई करते हैं। कोई भी नहीं पकड़ा जा रहा, मैंने थंबनेल बनाना है इसलिए फिलहाल हाथ कोई भी नहीं आ रहा। आगे बैठा ओनली फ्रेंड, इतको ही बड़ा है। वैसे दोस्तों हमारा मिशन हो चुका है कामयाब, अभी इनकी ये बेल जो है वो बंद हुई पड़ी है, इसके अंदर मेरे ख्याल में बच्चे हैं, अभी ये सारे इसके अंदर घुस गए हैं कुछ, और कुछ इधर बैठे हुए हैं। एक का कलर दोस्तों बहुत ही प्यारा है, ये वाला इसका कलर माशाल्लाह बहुत क्यूट क्यूट है। बाकी चेक करें, ये देखें दोस्तों, नहीं नहीं कोई भी नहीं पकड़ना,
अभी इनको चारा खाने देते हैं, क्योंकि ये इनका दिल जो है वो बहुत छोटा होता है, कमज़ोर दिल होते हैं वैसे। ये देखें कितना प्यारा है, और माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला जो प्रोसेस है वो हुआ कामयाब और कंप्लीट, क्योंकि इस चीज़ के लिए हमने बड़ी मेहनत की थी कि हमारे रैबिट्स का जो ये वाला सेटअप है वो कंप्लीट हो और बाद में इसकी ब्रीडिंग ली जाए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह से हम हो चुके हैं कामयाब आपकी दुआओं के साथ। दोस्तों आप बताएं आपको सरप्राइज़ कैसा लगा, मैं आज बहुत हैरान हूँ। डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, अभी बता रहे हैं कि और भी बच्चे निकाले हुए हैं लेकिन मोबाइल कोई नहीं आ रहे, लिहाजा इनका शौक जो है वो होता रहेगा ऐसा। अभी दोस्तों कर देते हैं इनको लॉक, ये अपना चारा एंजॉय करें और अपने जो मुर्गी के बच्चे हैं वो देख लेते हैं। ये तो इधर बाहर फिर रहे हैं, ये तो माशाल्लाह से बड़े हैं, कुछ मुर्गे हमारे इधर हैं, और ये अंदर जो छोटे मोटे बच्चे हैं इनका शोर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये मेरे ख्याल में उधर अपनी मदर के पास जाना चाह रहे हैं, उनसे दोस्तों गुजरा नहीं जा रहा, ज़्यादा इनको पकड़ पकड़ के ना इनके पास छोड़ते हैं। ये दोस्तों बहुत ही छोटा है, इसकी मदर देखें कितनी परेशान हो गई, लिहाजा इनको इधर थोड़ा सा बाजरा ला के डालते हैं ताकि ये इधर अपना बाजरा खाएं। मेरे ख्याल में ये थोड़े बहुत भूखे लग रहे हैं मुझे। और एक मुर्गी इधर है, मतलब वो जो दूसरी मुर्गी थी जिसको हमने बिठाया था खुराक पे, वो बैठी नहीं है। तो माशाल्लाह से ये हमारा सिस्टम जो है वो कामयाब हो, अभी सारे निकल आए हैं वापसी। ये देखें सब चारा एंजॉय कर रहे हैं, इनको वैसे तंग तो नहीं करते हैं बेचारे, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये इसमें बिल्कुल प्योर एक वाइट भी है, ये वाला ये बैठा हुआ ब्लैक के साथ। बाकी दोस्तों माशाल्लाह से गाय भी ठीक है, सारे जानवर ज़बरदस्त चारा एंजॉय कर रहे हैं। और एक छोटी सी बैड न्यूज़ है हमारे वर्कर के बारे में, जो हमने नया बंदा रखा था सरफराज के साथ दाढ़ी वाला, वो दे गया हमें कल धोखा, जो कि वो इधर से जा चुका है। वो कह रहा है कि मैंने मज़ीद इधर काम नहीं करना है, वजह पूछिए, वजह यह है कि कह रहा है कि मुझे बस एक मंथ काम करना था, तो मतलब ये है कि उसको अपना लालच था, वो कम्प्लीट हो गया तो वो चला गया था। तो अभी हमारे पास डोली है और जो डोली का कज़न है, दो बंदे हैं, तो तीसरा बंदा हमें मस्त ज़रूर चाहिए है, क्योंकि डोली हमने रखा था घोड़ों के लिए, तो लिहाजा घोड़ों का अलहदा बंदा ज़रूरी है। अभी हम इसी परेशानी में हैं दो तीन दिन से कि क्या बनेगा, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने जो है वो अच्छे से मतलब कवर किया है, घोड़ों की केयर भी की है, जानवर की केयर भी की है। देखें जानवर सारे पेट फुल करके अपना चारा इंजॉय करके खड़े हुए हैं, चारे वगैरह का कोई मसला नहीं है। ये मतलब जो डोली रखा हुआ है ना, इससे काफ़ी मतलब इधर रौनक भी है, सफाई भी है, और मतलब जानवरों की केयर भी अच्छी करता है। तो इसने कहा है कि कोई मसला नहीं, मैं इधर हाथ बिठा दूँगा वो अपना इसके कज़न के साथ। तो हमने कहा ठीक है, अभी हम बंदे की तलाश में हैं, तो अल्लाह खैर करेगा जल्दी बंदा को मिल जाएगा। मतलब अजीब ही सीन है, दुनिया कैसी है, मतलब अपना या काम पूरा होता जाए तो वो निकल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, हमने कोई बात नहीं की, हमने कहा चलो भाई ठीक है आप जा सकते हैं। और हमारा जो फ्रीजियन बुल है दोस्तों, ये इधर खड़ा हुआ है, और कुछ दोस्त कमेंट कर रहे थे कि ये जो है ना वो मेरे ख्याल में इंडियन है, तो वो कह रहे हैं हमारे इधर से फ्री में मिल जाता ये वो, तो मिल जाता होगा भाई, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। तो कह रहे थे कि ये आपके जानवरों में भी ठीक नहीं है। हमने दोस्तों इसको अपनी मतलब एक ना दूध वाली ब्रीड बनानी है, मतलब चोलिस्तान और फ्रीजियन का क्रॉस लेना है, जो कि हम पहले हम मतलब जानवर परचेज़ करके लेके आते थे क्रॉस, तो अब हम खुद ये अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अल्लाह खैर करेगा इसमें भी कामयाबी होगी। आप दोस्तों की दुआएं होंगी और सपोर्ट होगी तो क्यों नहीं। बाकी ये सब फ़िलहाल चारा इंजॉय करके खड़े हुए हैं फुल, इनको भी दोस्तों चारा ऐसे ही डाला हुआ है, बैठल में उतर के नहीं डाला, कोई बात नहीं है, छोटे जानवर हैं इनकी तो खैर ही है। इधर भी सारे चारा इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, मेरा बार बार दिल कर रहा है कि मैं इनको देखता ही रहूँ। अभी ये चारा इंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह से सक्सेसफुल हो गए हैं। बस अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, फिलहाल हम इनका जो है वो इधर की सफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जो बेल्स हैं वो इन्होंने खुद बंद की हुई आगे से, मेरे ख्याल में ये खुद जानबूझ के बंद करते हैं ताकि अंदर कोई चारा वगैरह मतलब या कोई और रैबिट ना घुस आए। इसलिए अभी ये देखें एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस शुरू हो चुका है। मेल दोस्तों इनमें मेरे ख्याल में दो तीन हो चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं आपस में,
वो भी हमने किसी को दे देना है, मतलब एक आधा। अभी फिर बंद कर देते हैं, बाकी मज़े शौक होता रहेगा इनका। किधर ला जाना, दोस्तों बाहर निकालने लगे। मैं सोच रहा था इनको बाजरा डालें, लेकिन ये खुद इनको बाहर ले आया है। मुर्गी जो है वो इनको खिला लेगी खुद ही। इन्होंने बाजरा पा, चलेंगे खुद ही एंजॉय कर लेंगे। बाकी ये मुर्गी इधर फिर रही है, इसके पीछे मेरे ख्याल में चार बच्चे थे, नहीं तीन थे सॉरी। और हमारी चीनी कलर की जो मुर्गी है, चीते कलर वाली मुर्गी, वो इधर फिर रही है, और ये वाला मुर्गा इधर है। और सांवल के काम देखें दोस्तों, नखरों के साथ इसने खाना होता है। जो भी खिलाएं इसको, चारा जो है ना, इसने सारा ही गिरा देना है। अभी चेक करें इसके काम, इसके अजीब ही काम है। इस साइड पे कर देते हैं, गिराएगा नहीं। फिर इतना मज़े का लजीज चारा है, फ्रेश, फिर भी इसने जो है ना गिरा गिरा के खाना है। बढ़िया, तो खिड़ियाँ आवाज़ें लगा रही हैं। अभी अभी एक मिनट पहले मैंने चारा रखा है, इसने फिर नीचे गिरा दी। उस्ताद का शागिर्द भी दोस्तों इस साथ आया हुआ है, उस्ताद के साथ। मसला क्या है भाई सामल साहब, क्या मसला है, क्यों ऐसे कर रहे हो? शेर पंजाब देखें दूर से गुस्सा कर रहा है दोस्त। तितर तो दिखाना ही भूल गया, तितर दोस्तों अगर सामने होते तो जेन में आ जाता यार, ये भी दिखाने हैं। वो अभी सामने नहीं पड़े हैं, और इनकी मैं इन्होंने सेटिंग भी नहीं की है, इनको इधर भी शिफ्ट नहीं किया बेचारे। ये इधर बैठे हुए अंधेरा है, लाइट जलाता हूँ। ये देखें दोस्तों, दोनों मेल और फीमेल इधर बैठे हुए, इनके नीचे जो है मट्टी वगैरह काफ़ी डाली हुई है, पानी बाजरा सारा कुछ इधर ही है। अभी इधर अंधेरा है दोस्तों, इनका शौक जो है ना वो ठीक से नहीं हो, तो इनका कोई साफ प्रॉपर जगह का लगाते हैं, ताकि ये नज़र भी ठीक आए और इनको देखा भी ठीक तरह जाए। बाकी माशाल्लाह वो देखें फिर गिराई जा रहा सारा, पट्ठे वे सटी सारे हेठ उचान। और ये रही जी हमारी बेला, माशाल्लाह माशाल्लाह से बेला। ये नहीं हरकतें करनी है, ऐसी गंदी वाली हरकतें नहीं करनी है। इसको दोस्तों जाते वक्त खोलते होते हैं रात टाइम, इस टाइम बच्चे वगैरह बाहर सारे फिर रहे होते हैं, तो उनको ये तंग करती है। तो ये बच्चे उठा के, मुर्गी के बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको उठा के कोई सीन ना कर ले। कैसी हो साजन घोड़ा दोस्तों? इधर खड़ा हुआ है, इसकी जगह चेंज कर दी है, पहले उधर होता था और अब ये इधर है। क्योंकि उस साइड से दोस्तों चारा जो है इसने सारा साइडों से खा लिया है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया हुआ। इधर कोई मेरे ख्याल में इनको कुछ लगा है, कोई ना कोई चीज़ है। घोड़ा भी दोस्तों अचानक हैरान होके खड़ा हो गया। बाकी दोस्तों आज शॉर्ट सा टाइम था, शॉर्ट सा ही व्लॉग है, शॉर्ट सी रूटीन है। और आपने कमेंट करके बताना है आपको हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा है रैबिट्स वाला। माशाल्लाह से एकदम ना दिल खुश हो गया फाइनली, मतलब कोई चीज़ तो ऐसी नहीं आई है जिसको देखने से ना दिल खुश हो जाए। एक नंबर पर ये चीज़ है, दूसरे नंबर पर रैबिट्स के अभी जो बच्चे हैं, बाकी तो आपके सामने ही है सारा हमारा शौक जो है। देखें कैसे एक्टिव है हमारी पिट बुल डॉग, इसको देख के गुरा रही है। बेला 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 बेला, माशाल्लाह बड़ी क्यूट है दोस्तों। बेला 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 बेला, साजन घोड़े का दोस्तों चारा डालने जा रहा है। उस्ताद साहब कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि चारा इसको डलता है या नहीं, लिहाजा वो चारे में ही खड़ा हुआ है और उसको चारा भी डलता है। मतलब हम ये काम नहीं कर सकते ना, मतलब बुरी बात है। हेलो चीता भाई, चीता आजकल लिफ्ट नहीं करा रहा दोस्तों, आज़ादी मना रहा है अपनी। शाबाश, पहले दोस्तों मैं इसके पास आता था ना ये खड़ा हो जाता था, आजकल इसको ना बादाम खिला रहे हैं ना कुछ, नेचुरल चारे पे फिर रहा है, भैया बाजरा खाता है बस। टिकटॉक इंस्टाग्राम पे बड़ा मशहूर हुआ है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए इसको, काफ़ी ज़्यादा लाइक आए हैं। तो अगर आप
मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाह रहे हैं तो मैं इधर आईडी मेंशन कर देता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मुझे लाजमी फॉलो कर रहे हैं, उधर मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। अगर मेरे व्लॉग्स ना आ रहे हों तो मैं उधर अपडेट दे देता हूँ, लिहाजा लिंक जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पे होता है। तो भाई को जो है वो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो लाजमी कर सकते हैं, बल्कि कर लें। जख्म लगी तो मौक गया। दूध की तो सफाई हो रही है, बाकी साइडों वाला सारा दूध निकाल लिया। ये देखें इसका कलर कैसा है, थोड़ा सा रह गया जख्म, वो सुबह ट्यूब लेके आते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बाकी सब जानवरों की दूध चुवाई हो चुकी है। अभी अभी दोस्तों मैंने रोज़ा इफ्तार किया, तो मैंने कहा ब्लॉग जो है वो रात टाइम रोज़े के बाद एंड किया जाए। अभी आपको दोबारा अगेन रैबिट्स जो हैं वो दिखा लेते हैं कि इस टाइम वो क्या कर रहे होंगे। बाकी शाम तो ऐसी हो चुकी है, ये देखिए, और हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो भी सारी अपनी अपनी जगह पे आके बैठ चुकी हैं, सब की सब। इनका भी दरवाज़ा बंद कर देते हैं और रैबिट्स की लाइट्स लाते। ये देखें बस, ये लड़ते भी बड़े हैं आपस में। बाकी माशाल्लाह वो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं सारे, इनका ये वाला घर है, इधर ही अंदर घुस जाते हैं। इस वाले का कलर देखें दोस्तों, दिन टाइम ये पकड़ा नहीं गया और अब ये पकड़ा गया, इसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चली हुई है, लिहाजा इसको अभी छोड़ते हैं, बेचारा तंग हो रहा है। ये कलर बड़ा ही ना डिफरेंट आया हुआ है। चलो भाई भागो भागो भागो, सारा इंजॉय करो। बाकी है अब सूजी और ये बंटी हमारी डॉग जो इधर आके बैठी हैं, और हमारी पप्पी वो जो बेला है वो उधर बैठी है, उसका टाइम हो चुका है दोस्तों, उसको भी खुला छोड़ते हैं। दोस्तों हो चुकी है शाम बिल्कुल, और ये हमारे डेरे का माहौल है रात टाइम का। अभी सारे जानवर परिंदे जो हैं वो रेस्ट में हैं, घोड़ों ने जो है चारा वो फुल इंजॉय कर लिया, और सावन ने देखें चारा वैसे ही गिराया हुआ है, दोबारा इसका चारा फ्रेश डालते हैं। और इधर से डेली दोस्तों एक मोर की आवाज़ आती है मुझे रोज़ाना, वो भी पता करते हैं, और हम अपने मोर भी लाने का सोच रहे हैं, उनको लेके आएँ। तो आज का व्लॉग करते हैं दोस्तों इधर ही एंड, उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।